अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहान खान और आप देख रहे हैं जेम स्टोन्स लवर। ये मैंने कुछ चोपल निकाले तो मैंने कहा सबकी इकट्ठी वीडियो बना दूं। तो ये मेरे को चोपल हैं, इसमें से एक दो तीन चार पाँच पाँच ऑस्ट्रेलियन ओपल हैं, एक तंजानिया का ओपल है, दो इथियोपियन ओपल हैं। और ये मैं आपको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सा आपको रिव्यू कराऊँगा हर एक रिंग का। तो सबसे पहले ये बड़ी रिंग है, इसके नीचे से आप देख रहे होंगे ये छोटा सा मैजिक लगा हुआ है और इसका बफ लगवाने। अभी ये काफ़ी रफ हो चुकी है, काफ़ी अर्सा हो गया इसे यूज़ नहीं किया। और ये काफ़ी बड़ा स्टोन है और काफ़ी बड़ी रिंग में लगा हुआ है, अराउंड अबाउट 60 कैरेट का स्टोन है। और ये मेरा फेवरेट ओपल भी है और इसके फायर्स बहुत प्यारे हैं। ये भी राउंड अबाउट 60 कैरेट का स्टोन और इसकी जो रिंग है साथ कैसर की बनी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जनाब ऑस्ट्रेलियन ओपल है, ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपल है। ये इथोपियन ओपल है, ब्लैक फायर ओपल इथोपियन और इसकी रिंग बहुत प्यारी बनी हुई है। और ये जनाब इसके बहुत प्यारे फायर्स हैं, ये भी इथियोपियन ओपल है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है अरताश की हुई है रिंग के ऊपर, ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपल है और इसमें फुल फायर्स हैं। तो ये रिंग्स ही मैंने कहा मैं छोटी सी एक वीडियो भी बना दूं, आपको दिखा दूं। तो आपने ये भी बताना कि आपको इनमें से कौन सी रिंग पसंद आई है। ये विदाउट फ्लैश, कोई भी बंदा होता है वो कहता है कि फ्लैश में इसके फायर्स बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ कि ओपल वो होता है जो विदाउट फ्लैश भी फायर्स दे। इनमें से तमाम जो है आप देख रहे हैं कि ये डे लाइट भी बहुत लो है उसमें भी अच्छे फायर्स दे रहे हैं। ये देखें इंडिविजुअली देखें तो हर एक के अपने फायर्स पैटर्न है। तो आपने बताना आपको कौन सा ओपल पसंद आया। ये मेरी छोटी सी कलेक्शन थी ओपल की, तो आपने बताना आपको कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जो भी चीज़ आप पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।